हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टेट ऑफ मैटर यूनिट के पार्ट नंबर 12 में हैं और यहाँ हम लोग जितने गैसियस लॉ कंप्लीट किए हैं उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। और उससे पहले हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन और गैस इक्वेशन को पढ़ा है, जबकि रूल्स में बायल्स, चार्ल्स, डाल्टन्स, एवोगैड्रो एंड गैलुसेक्ला कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, एक गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और एक वायुमंडलीय प्रेशर पर 72 ml है। यदि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तथा 900 mm प्रेशर पर उस गैस का वॉल्यूम क्या होगा? तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज हम लोग ये रूल फाइंड आउट करें या कंडीशन फाइंड आउट करें कि यहाँ कौन सा स्टेट फार्मूला यूज करेंगे और क्या क्या वैल्यूज हैं जो यहाँ पर दी हुई हैं क्वेश्चन में। तो कह रहा है गैस के निश्चित मास का वॉल्यूम 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 1 atm प्रेशर पर 72 ml है। अब देखिए यहाँ प्रेशर की वैल्यू के लिए क्या कह रहे हैं, एक वायुमंडली, और कई बार क्वेश्चंस में ये एक भी नहीं कहता है, केवल लिखता है वायुमंडलीय दाब पर। तो ऐसी स्थिति में कोई वैल्यू तो दी नहीं है। तो वहाँ पर मैंने पार्ट नंबर 1-2 वीडियो लेक्चर्स में आपको वैल्यूज एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो प्रेशर के लिए एटीएम पर जो वैल्यू है उसका आपको वैल्यू नन करना चाहिए, 1 atm इक्वल्स टू 760 mm, यानी एक वायुमंडलीय दाब में 760 mm होते हैं। तो एक वैल्यू तो इनडायरेक्ट है जो इस फॉर्मूले से मिलेगी। देन वैल्यूज पुट अप करें। सबसे पहले P1, तो P1 आपको फर्स्ट P1 यही हो जाएगा क्योंकि 1 atm पर है एक्सपेरिमेंट। तो डायरेक्टली mm पर वैल्यू लिख लें हम इसकी, 760 mm। देन P2 इक्वल्स टू कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तथा 900 mm प्रेशर पर, यानी P2 इंक्रीज हो रहा है। P1 760 mm है और P2 बढ़ा करके 900 mm कर दिया जाए। देन टेम्परेचर T1, पहला टेम्परेचर है 47 डिग्री सेल्सियस, इसे केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करेंगे। एंड सेकेंड टेम्परेचर है जो कि डिक्रीज कर रहा है 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसे भी कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में, 273 ऐड करेंगे। और इसके बाद V1 का वैल्यू पुट अप करें। फर्स्ट यानी प्राइमरी जो V1 है वो है 72 mm, तो यहाँ पर V1 का वैल्यू नोट करेंगे 72 mm। और जबकि कह रहा है कि इतने दाब पर उस गैस का आयतन क्या होगा, तो V2 हाउ मच हो जाएगा, अर्थात V2 इक्वल्स टू हाउ मच। तो T1 का वैल्यू आएगा 320 केल्विन और T2 का वैल्यू होगा 300 केल्विन एग्जैक्ट। अब यहाँ से हमने टर्म कंडीशन देखी कि कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, ना तो प्रेशर, ना ही वॉल्यूम और ना ही उसका टेम्परेचर, और वैल्यूज सभी के दिए हुए हैं। तो ये गैस इक्वेशन को फॉलो करता है और गैस समीकरण के लिए फार्मूला यूज करते हैं, P1 V1 upon T1 इक्वल्स टू P2 V2 upon T2। और इसकी वैल्यू पुट अप करें तो P1 है 760, V1 का वैल्यू है 72 अपॉन T1 का वैल्यू 320, P2 का वैल्यू है 900 और V2 फाइंड आउट करना है, जबकि T2 का वैल्यू है 300। तो अब हम इसे T2 के संदर्भ में रिप्रेजेंट करेंगे। चूंकि क्वेश्चन में V2 फाइंड आउट करना है
इसलिए वी टू के अकॉर्डिंगली इसे लिखेंगे, वी टू इक्वल्स टू पी वन इंटू वी वन इंटू टी टू अपॉन पी टू इंटू टी वन, और ये वैल्यू पुटअप करेंगे। तो पी वन का वैल्यू है 760, वी वन है 72 एंड टी टू का वैल्यू है 300 अपॉन पी टू इज 900 इंटू पी वन वैल्यू इज 320, और इसे कैलकुलेट करें। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी टू का फाइनल वैल्यू आ जाएगा 57 ml। तो इस प्रकार ये है आपका फाइनली वॉल्यूम होगा जो कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उस पार्ट में क्रिएट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 760 mm प्रेशर पर एक गैस का वॉल्यूम 50 क्यूबिक सेंटीमीटर है। यदि उसी गैस का वॉल्यूम 207 डिग्री सेल्सियस पर 25 क्यूबिक सेंटीमीटर कर दिया जाए तो उस गैस का प्रेशर क्या होगा? तो सबसे पहले गिवन क्वेश्चंस की वैल्यू को नोट करें। यहाँ पर टेम्परेचर T1 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करेंगे। देन T2 207 डिग्री सेल्सियस, उच्च ताप है ये, इसे कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करेंगे। देन V1, फर्स्ट वैल्यू है 50 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी घन सेंटीमीटर, और सेकंड वैल्यू है V2 की 25 क्यूबिक सेंटीमीटर। देन प्रेशर P1 का वैल्यू है 760 mm, और कह रहा है उसका सेकेंडरी प्रेशर फाइंड आउट कीजिए, अर्थात P2 का वैल्यू हाउ मच। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ से कंडीशन पता चल रही है कि ना P कांस्टेंट है, ना T कांस्टेंट है और ना V कांस्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में जब तीनों वैल्यूज दिए हुए हैं तो गैस इक्वेशन को कंडीशन फॉलो कर रही है, और गैस इक्वेशन के लिए फार्मूला यूज करते हैं P1 into V1 upon T1 equals to P2 V2 upon T2, और इस संदर्भ में वैल्यू पुटअप करेंगे। सबसे पहले T1 और T2 को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो T1 का वैल्यू आ जाएगा 300 केल्विन एग्जैक्ट, और T2 का वैल्यू होगा 480 केल्विन। अब वैल्यू पुटअप करें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। P1 इज 760, V1 50 अपॉन T1 300 इक्वल्स टू P2 फाइंड आउट करना है, V2 का वैल्यू 25 यानी डिक्रीज किया है, एंड T2 का वैल्यू है 480, और अब इस फॉर्मूले को P2 के संदर्भ में रिप्रेजेंट करें। तो फॉर्मूला होगा P2 इक्वल्स टू P1 into V1 into T2 upon T1 into V2, और इस पर वैल्यू पुटअप कर लें। तो अकॉर्डिंग टू P2 के लिए वैल्यू पुटअप करेंगे, P1 760, V1 50, T2 480 upon T1 300, V2 25। कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर कैलकुलेशन आपको फाइनल आंसर मिलेगा 2432 mm, जो कि इसका फाइनली प्रेशर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अवस्था समीकरण का उपयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि दिए गए टेम्परेचर पर गैस का घनत्व यानी डेंसिटी गैस के प्रेशर के समानुपाती होती है, यानी जो डेंसिटी है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ जो अवस्था समीकरण है उसे आइडियल इक्वेशन भी कहते हैं, मेनली आइडियल इक्वेशन के रूप में ही जानते हैं। तो आदर्श गैस समीकरण पढ़ा है हम लोगों ने, PV इक्वल्स टू NRT, इस इक्वेशन की हेल्प से हम इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि N के लिए फार्मूला होगा W अपॉन M,
अर्थात मोलों की संख्या को फाइंड आउट करने के लिए उस पदार्थ की मात्रा यानी क्वांटिटी और उसके मॉलिकुलर वेट यानी अणु भार का डिवाइडेशन करें तो यहाँ से मोल नंबर पता चल जाएगा। तो इस रिलेशन का यूज करते हुए हम इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इक्वेशन बनेगी पी वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू आर टी, और अब इसे हम प्रेशर के संदर्भ में रिप्रेजेंट करेंगे। देन इसे लिखेंगे पी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी इंटू आर टी, और इस इक्वेशन की मदद से इस रिलेशन को स्पष्ट करें। चूंकि कंडीशनल फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि W अपॉन R इक्वल्स टू P, जबकि इस केस में टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट कैटेगरी में रहेगा, देन इसे डेंसिटी के संदर्भ में एक्सप्लेन करें। तो अगर हम P को D के संदर्भ में लिखें, P इक्वल्स टू D कर लें, यानी दाब का जो एस्टीमेशन है वो डेंसिटी की जगह शिफ्ट कर लें, तो इस रिलेशन को हम निम्न प्रकार से व्यक्त करेंगे। P प्रोपोर्शनल टू आर टी अपॉन एम, ये प्रेशर के संदर्भ में, तो अगर हम डेंसिटी के संदर्भ में लिखें तो D प्रोपोर्शनल टू आर टी अपॉन एम हो जाएगा, जहां m क्या है, मॉलिकुलर वेट है, t टेम्परेचर है, r गैस कांस्टेंट है और d डेंसिटी है। यदि r, t और m ये स्थिर कर दिए जाएं, यानी कांस्टेंट कर दिए जाएं, तो ऐसी अवस्था में अगर हम प्रेशर का और डेंसिटी का रिलेशन रिप्रेजेंट करें तो इसे लिखेंगे P प्रोपोर्शनल टू D। तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दाब है वो घनत्व के समानुपाती होता है, यानी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रेशर एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर डेंसिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तथा 2 बार प्रेशर पर एक गैस का डेंसिटी 5.46 ग्राम पर घन डेसीमीटर या डेसीमीटर क्यूब है, तो एसटीपी पर इसका डेंसिटी क्या होगा। अब यहाँ पर रिमार्क करने की बात है कि एक वैल्यू है इनडायरेक्टली जो कंडीशनल है एसटीपी पर, तो इसको हम सबसे पहले वैल्यू डिनोट करें देन फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। तो वैल्यू नोट करें, यहाँ सबसे पहले T1 का वैल्यू है 27 डिग्री सेल्सियस और T2 का वैल्यू अकॉर्डिंग टू STP पर जाएंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, तो 273 केल्विन होगा। ये वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी आपको STP पर, और इसे कन्वर्ट कर लेंगे, 273 ऐड करेंगे तो 300 केल्विन प्राप्त होगा। देन प्रेशर P1 इक्वल्स टू 2 बार एंड P2 इक्वल्स टू STP पर P2 का वैल्यू 1 बार होगा, और देन डेंसिटी D1 कह रहा है कि डेंसिटी है 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और डेंसिटी सेकेंडरी कैटेगरी की पूछ रहा है, यानी हाउ मच D2 का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। अब यहां पर हम कंडीशनल फार्मूला यूज करेंगे D1 T1 अपॉन P1 इक्वल्स टू D2 T2 अपॉन P2। वैल्यू पुट अप करें तो D1 का वैल्यू है 5.46, T1 का वैल्यू है 300 अपॉन P1 टू बार इक्वल्स टू, D2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है और T2 है 273 अपॉन P2 का वैल्यू होगा 1 बार। तो अब हम इसे D2 के संदर्भ में रिप्रेजेंट करेंगे, तो D2 के लिए वैल्यू पुट अप करेंगे और फाइनली कैलकुलेट करने पर आपको इसका आंसर मिलेगा 3 ग्राम पर डेसीमीटर
क्यू, जो कि एसटीपी पर सेकेंडरी डेंसिटी होगा, जिसको हमने डी टू से रिप्रेजेंट किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 456 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तथा 0.1 बार प्रेशर पर 34.05 ml फास्फोरस वाष्प का भार 0.0625 ग्राम है, तो फास्फोरस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर वैल्यू नोट करें। सबसे पहले पी का वैल्यू दिया है 0.1 बार, वॉल्यूम आपको दिया है 34 पॉइंट, तो इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में ml में दी है, तो इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइडेशन करेंगे, जिससे आपको आंसर मिल जाएगा 0.03405 लीटर। देन टेम्परेचर का वैल्यू, टी का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 456 दिया हुआ है आपको, तो इसको एस्टिमेट करेंगे देन इवेल्युएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 456 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट करेंगे केल्विन में 273 ऐड कर देंगे, तो टेम्परेचर मिलेगा 729 केल्विन। अब यहाँ से हम इसे आर वैल्यू डिनोट कर लेंगे, क्वेश्चन में दी नहीं है लेकिन आपको लर्न होनी चाहिए, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इसका मोलर मास क्या होगा, यानी मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन का, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से, और चूंकि एन का वैल्यू फाइंड आउट करना था तो इसलिए एन के संदर्भ में इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे, देन एन इक्वल्स टू पीवी अपॉन आरटी, इसकी वैल्यू पुट अप कर लें, पी का वैल्यू है 0.1 और वॉल्यूम है आपका जो कन्वर्ट किया है लीटर में 0.03405 अपॉन आर का वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर का वैल्यू है 729। तो आफ्टर कैलकुलेशन आपको आंसर मिलेगा, और इस गिवन आंसर के अकॉर्डिंग हम इसका मोलर मास फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में फास्फोरस का स्टीम का जो वेट है यानी W का जो वैल्यू है वो दे रखा है इसने 0.0625, और आपका जो एस्टिमेशन वैल्यू आया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ये है, तो इसलिए आप वैल्यू पुट अप करेंगे 0.0625 अपॉन 689138 नियरेस्ट वैल्यू। तो इस तरह से फास्फोरस का मॉलिकुलर मास यहाँ ज्ञात हो जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने लगभग इन दोनों ही इक्वेशंस के लिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया, इनकी प्रैक्टिस की, और विद फार्मूले
आप इन्हें लर्न करिए और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, कैलकुलेट करिए, और यहाँ कंडीशंस को फॉलो अप करना सबसे आवश्यक होता है स्टेट ऑफ मैटर्स के न्यूमेरिकल्स के लिए। तो अगले पार्ट में हम लोग स्टेट ऑफ मैटर्स के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो इन गैसियस लॉ को प्रभावित करने वाले हैं, उनके कंडीशंस को स्टडी करेंगे और कुछ नई नई जानकारियां। तो वॉल्यूम का रिलेशन, प्रेशर का रिलेशन, डेंसिटी का रिलेशन और इन्हें इफेक्टिव फैक्टर्स के रूप में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे। देन कुछ टर्म्स हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो इस गैसियस लॉ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और स्टेट ऑफ मैटर के लिए वे सबसे महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स के रूप में हैं।